अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। दिस इज़ पीयर 3 सेशन। नाउ वी विल स्टार्ट अवर ओरल सेशन। फर्स्ट वी विल रिवाइज सूरह फलक। पहले भी रिवाइज कर चुके हैं आप लोग, इस वीक में हम दोबारा सूरह फलक रिवाइज करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। ठीक है, रिवाइज विथ मी ताऊज एंड तस्मिया। ताऊज, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد। ठीक है, आप लोगों को भी इसी तरह से रिवाइज करनी है सूरह फलक। नाउ वी विल रिवाइज अवर ओआरटी। ओआरटी में आपकी न्यू बुक जो थी व्हाट अ बैड डॉग, वो भी अब ख़त्म हो जाएगी इस वीक में, तो हम आज उसका पेज नंबर 13 करेंगे। पेज नंबर 12 तक हम उसकी रीडिंग कर चुके हैं। ओके, आप लोग मेरे साथ रीड कीजिए। व्हाट अ बैड डॉग सैड डैड। व्हाट अ बैड डॉग सैड डैड। डब्ल्यू एच ए टी व्हाट अ बी ए डी बैड डी ओ जी डॉग S A I D said, D A D dead. What a bad dog said. पेज नंबर 15 है। The tray was on fire. T H E the T R A Y tray. W A S was O N on F I R E fire. The tray was on fire. पेज नंबर 16 है। व्हाट अ गुड डॉग डब्ल्यू एच ए टी व्हाट अ जी डबल ओ डी गुड डी ओ जी डॉग व्हाट अ गुड डॉग। ओके, आप लोग भी रिवाइज करेंगे पेज नंबर 16 तक। आपकी ये बुक ख़त्म हो रही है इस वीक में, 16 पेजेस थे जो हमने इस वीक में रिवाइज करने हैं। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट अवर जी के कॉपी वर्क। जी की कॉपी में हम उर्दू की साइड पर आज वर्क करेंगे। हमने जी के इंग्लिश में किया था हेल्दी फूड एंड जंक फूड, आज उर्दू में हम करेंगे उसी को सेहत बख्श ग़िज़ा गैर सेहत बख्श ग़िज़ा। ओके, सेहत बख्श ग़िज़ा जिससे खाने से हमें सेहत मिलती है, हमने वहाँ क्या लिखा था फ्रूट्स वेजिटेबल्स, इसी तरह हम उर्दू में लिखेंगे फल सेहत बख्श ग़िज़ा है, सब्ज़ियाँ दूध अंडे गोश्त दालें और दही है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सेहत बख्श ग़िज़ा में आती हैं। ठीक है, और गैर सेहत बख्श ग़िज़ा कौन सी होती है जिसे खाने से हमारी सेहत ख़राब होती है, जैसे बर्गर, ठीक है, पिज़्ज़ा और नूडल्स, चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक पीने से भी हमारी सेहत क्या होती है, ख़राब होती है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग इसके जगह अगर आप लोगों को और कोई लिखना है तो भी लिख सकते हैं आप, वरना यही वाला वर्क आप लोग कीजिएगा। नाउ वी विल स्टार्ट अवर मैथ्स कॉपी वर्क। मैथ्स की कॉपी में वर्क है सब्ट्रैक्शन डबल डिजिट। जिस तरह से हमने एडिशन की थी डबल डिजिट, उसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे देखें टेंस और यूनिट्स से करेंगे हम। सबसे पहले हम यूनिट से स्टार्ट करेंगे। सबसे ऊपर दिया हुआ है 3 और 1, इसका मतलब क्या है, हमें 3 में से माइनस करने हैं 1। ठीक है, 1 2 3, इसमें से हमें कितने कट करने हैं 1,
हाउ मेनी रिमेनिंग, 1, 2, राइट डाउन हेयर 2. इसी तरह आप दूसरा वाला नंबर देखें, 1, 2, 2 में से हमें कितने माइनस करने हैं, 1. हाउ मेनी रिमेनिंग, 1, आंसर इज 1, तो आंसर क्या हो गया, 12. इसी तरह से बाकी सम्स भी आप लोग करेंगे, ये हमारे सब्ट्रैक्शन के सम्स हैं जी. उर्दू की कॉपी में हमारी है तख्लीकी लिखाई, जिस तरह से हम इंग्लिश में कर चुके हैं क्रिएटिव राइटिंग, उसी तरह से आज हम उर्दू में कर रहे हैं तख्लीकी लिखाई. तो आज हम यहाँ पे करेंगे तोता पे, ठीक है. इजी लाइंस हैं, आप लोग आराम से लिख लेंगे, इसलिए हम तोता पे लिखेंगे. जैसे हम लिख सकते हैं, ये एक तोता है, यह मेरे पास तोता है, ठीक है. हम लिख सकते हैं, मेरे पास तोता है. आप लोग यहाँ लिख सकते हैं, ये एक तोता है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है. उसका रंग हरा है. और तोता क्या करता है, कैसे बोलता है, टैं टैं करता है ना वो, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तोता टैं टैं करता है. और तोता क्या खाता है, तोता चूरी भी खाता है, और तोता हरी मिर्च भी खाता है. तो हम यहाँ पे लिखते हैं, तोता हरी मिर्च खाता है. तोता हरी मिर्च खाता है, ठीक है. ये आप लोगों की तख्लीकी लिखाई हो गई है तोता पे. इसी तरह से आप लोगों ने अपनी उर्दू की कॉपी में करनी है.